बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, जो बाबा आपने मेरा बताया है। महबूब आया है। जाओ देख दे, फोन कर दे। ये मजे हमको आदत नहीं, हम उनको एकदम तार से हम रंजीत गाड़ी आ गई। बाप रे, खसी जानो आ मुनी को मन में तले ले लीजिए दिशा देबो शिव ला खाली जाने निके दिन देखे हम जी फोन नहीं उठाओ। ए खसी जानो तो बोल बता दो कि चला पर मन में तले ले लीजिए जो पाते ले आ वापस आ तुम में बैठ जाओ तुम का मुनी बैठ जाओ बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं पठानगढ़ी और हांडभांड शरीक जी और साथ में हमारे आदरणीय श्री नेगी जी। नेगी जरा हाथ हिलाएंगे, जरा सा, ज़्यादा नहीं हिलाना है, थोड़ा सा हिलाना है। दोस्तों मेरा नया कारोबार चालू हो गया है, किसी को भी बकरी चाहिए तो कांटेक्ट करें, मेरा नया कारोबार है। बढ़िया छो ना, तेरी तीसरी टांग ले जाएगा। दोस्तों ये है अपना भोटिया कुत्ता शेरू। शेरू हाय बोलो। शेरू कहाँ जीवो निकाल रहा है यार तू, क्या पो करना यार, कठोर रन करा तू। ये हमको दोस्तों ये हमको मिल गया है यहाँ चढ़ाई में। अरे गौ नीचे आ पाएगा। अरे इसके कुकुर रुकने भोने फुल स्टॉप हो जाएगी। मैं ये फुल स्टॉप आई जो है पछ टांग पकड़ गैक यार बुगजो हो गई वही जा। ए हाय फोटोग्राफर फोटो खींच आई है। अरे अरे यार देख यार ऐसा मत कर यार, कालू कालू ये बेवफाई मत कर। चढ़ने लग गया बेटे, वो चढ़ने लग गया। आजा आजा आजा। दोस्तों ये नई कारोबार हमारे नेगी जी ने शुरुआत कर दी है, तो इसका आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अखबार में पहले पन्ने पे बड़ी ही फोटो। ये जो तीन कुत्ते आज दिख रहे हैं दूसरे पन्ने भोटिया ब्रीड, ये हमारे नेगी जी ने रख दिए हैं। बधाइयां। ये आ गया हमारा, क्या नाम है, कालू। कालू तो नेगी जी को बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद धन्यवाद। नई पहाड़ी भोटिया लेने के लिए धन्यवाद। तो नेगी जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपको कैसा लग रहा है अभी इस चट्टान में बैठ के? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है यार आज मौसम। पहली बार पहली बार पीछे देख के जरा बताइए कैसा हो रहा है मौसम? थोड़ी थोड़ी डर सुसाइड पॉइंट लग रहा है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब और वो बताएंगे यहाँ का हालचाल और मौसम। हालचाल तो सही है, आने में थकान थकान और पानी भी नहीं है साथ में, तो काफ़ी वैसे वो रुक जा। जय हो।
गुड। नेगी जी, हाँ सर, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही आनंदमयी जगह है, लेकिन मैं आपके साथ दोबारा नहीं आऊंगा। क्यों सर? आपने मेरे से पानी की बाल्टी सरवाई, सब्जी कटवाई और आप नीचे को जाते टाइम, आपने ऊपर को आते टाइम जैसे मेरे को बैग पकड़ाए थे, वापसी फिर आप मेरे को बैग पकड़ा रहे हैं। तो नेगी जी हमारे रिश्ता गए हैं और मैं नहीं आऊंगा। आप क्या बना रहे हैं नेगी जी? सर हमारी बन रही है अभी हाका नूडल। और दोस्तों तो पहाड़ की वादियों के बीच अगर आपने चाय नहीं पी तो कुछ नहीं पी। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। तो शानदार मौसम के साथ अभी मैगी बन रही है और मैगी से पहले हमारा चल रहा चाय, चाय और मैगी। वाह, तो बहुत ही एकदम आनंददायक मौसम हो रहा है और बढ़िया ठंड हो रहा है और बारिश की हल्की हल्की सर्द हवाएं भी चल रही हैं और हल्की सी बारिश की बूंदें भी आ रही हैं। सर्द हवाओं के बीच चाय का आनंद लिया जा रहा है दोस्तों। माँ बौधानगढ़ी के दरबार में चाय का आनंद और मौसम का आनंद, खूबसूरत सी वादियों के बीच दोस्तों, काफ़ी सुहाना मौसम। क्या आए हुए हैं? यूपी से हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, जुड़ेंगे सीधे संपर्क पर। सीधे आज हम संपर्क में लाइव लेते हैं डॉक्टर साहब को और पहाड़ों की एकदम। तो सर आपको कैसा लगा इधर आके? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। तो डॉक्टर साहब आज उनका दिन सफल हो गया है और हमारी मैगी जो कि 2 घंटे लगातार कोशिश करने के बाद भी दोस्तों हमाररी मैगी भी अभी इस यहाँ पे पड़ाव पे पहुँच गई है कि हल्का सा पानी कम हो चुका है लेकिन मैगी पक चुकी है और खाने के लिए हम देख रहे हैं, पेट में भी चूहे कूद रहे हैं और अभी थाली में ले लेते बस, मौसम चाय का हो रहा है, धीरे धीरे मैगी का आनंद लेते हैं दोस्तों। तो अभी तो आप आएंगे तो यह है लोकेशन दोस्तों, तो जब भी आप आएंगे कैंपिंग जो भी आप बनाएंगे यहाँ पे तो कचरा ना फैलाएं और साफ सफाई करके जाएं। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है दोस्तों, एकदम दिमाग। अगर आपको अगर फ्रेशनेस चाहिए तो आप इसी वादियों के बीच आइए और अपना तनाव मुक्त होके यहाँ पे एकदम बढ़िया मैगी बनाइए, चाय पीजिए, आनंद लीजिए। इसी के साथ हम आपको इसमें की वादियों में ले चलते हैं, इसी के साथ हम मिलते हैं आपको मैगी के साथ दोस्तों। तो यहाँ पे बन रही है मैगी और अभी हम हैं माँ बौधानगढ़ी के दरबार में और यहाँ पे हमारा अभी चल रहा है मैगी का प्रोग्राम। आप देख सकते हैं ये मैगी का मसाला अभी तैयार हो रहा है और लकड़ी की किल्लत है दोस्तों, यहाँ पे लकड़ी भी मिलना बड़ा मुश्किल है। खूबसूरत सा मौसम हो रहा है और खूबसूरत से मौसम के साथ मैगी का आनंद लिया जा रहा है दोस्तों और आपको दिखाते हैं अभी मैगी बनते हुए। तो दोस्तों 1 घंटा हो चुका है लगभग करीब, अभी तक आग जली नहीं है दोस्तों, मतलब सब्र का बांध टूटते जा रहा है। तो नेगी जी मैगी का स्वाद ले रहे हैं, ये नेगी जी की प्रक्रिया आप देखिए। मन तो हो रहा है उनका कुकर ही लेके चले जाएं घर की ओर। हम भाग सकते हैं सर, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान देख के आप समझ सकते हैं कि मैगी कितनी खूबसूरत बनी है दोस्तों। तो लाजवाब, कोई तोड़ नहीं है। ये नेगी जी की छत्र छाया में है आज हम, आज जो हमको नेगी जी खिला दें वही है, आज नेगी जी की पालकी है दोस्तों। तो ये पहला सर्व हम डॉक्टर साहब को कराएंगे, हमारे साथ हैं आज सैफ, माफी चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि हमें यहाँ चम्मचों की कमी पड़ी है। हमारे साथ हैं सैफ राजेंद्र नेगी जी जो आपको मैगी का जो आनंद आप लेंगे आज बौधानगढ़ी के दरबार में खूबसूरत से वादियों के बीच। मैगी जी कैसा लग रहा है अभी आपको मैगी परोसते हुए? सर हम अभी परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है भैया, ये अपनी मैगी है और ये देख सकते हैं ये खूबसूरत वादियों के बीच मैगी। भाई साहब आपकी शादी में बरसात हो सकती है इसमें खाने से, ओले पड़ सकते हैं, आप इसके कल के दिन जिम्मेदार आप ही खुद हैं, कबूल कर लीजिए। हम तो चाहते हैं हमारी शादी में बरसात हो। दोस्तों जो आनंद भी आ रहा है वो आप देख सकते हैं वीडियो में, जो आनंद भी आ रहा है दोस्तों, वाह
जनता माफ नहीं करेगी। मैगी खत्म। चाटते हुए चलना तो भाई भी बहुत बढ़िया मैगी हो रही है सर। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बहुत बढ़िया मैगी। मैंने कुकर खाली कर दिया है, 4 बंदों की डाइट में। आप देख सकते हैं नेगी जी ने पूरा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?